एंगल बनाएगा V cos थीटा, तो यहाँ पे पिच V मल्टीप्लाई T, V वेलोसिटी कौन सा एंगल है V cos थीटा, टाइम पीरियड T की वैल्यू क्या निकली हमारी, T की वैल्यू है 2 पाई m डिवाइडेड बाय Q B, यानी 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्या निकला Q P, ये क्या निकल गई हमारी पिच। पिच समझ में आया क्या कि एक राउंड पूरा किया और उसके बाद वो कितना आगे बढ़ा, ठीक है। ये किसमें, हेलिकल मोशन में, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज, क्या निकाला हमने, डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। समझ आया, हमने क्या निकाला था कि यूनिट सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसको किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हमारे पास हमने फोर्स निकाला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी और एक सेंट्रीपिटल फोर्स था, वहां से हमने वैल्यू निकाली वेलोसिटी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी और उस पार्टिकल की रेडियस r, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड निकाला एंड फ्रीक्वेंसी क्या निकाली न्यू, ठीक है। वो सर्कुलर मोशन फिर किसमें निकाला हमें, हेलिक्स में। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है लोरेंट्ज फोर्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस देखो लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स जब लगता है, जब कहां पे क्या हो, एक तो क्या हो लोरेंट्ज फोर्स, देखो लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट किया बी से और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया ई से, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है और वहां पे कोई चार्ज डाला, क्या डाला वहां पे, कोई चार्ज डाला और चार्ज डालने पे जो फोर्स लगा टोटल फोर्स वो क्या आएगा, लोरेंट्ज फोर्स। समझ आया लोरेंट्ज फोर्स क्या है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और वहां पे हमने क्या डाला, चार्ज डाला और फिर वहां पे जो टोटल फोर्स लगेगा दैट इज क्या है, लोरेंट्ज फोर्स। अब देखो तुम्हें पता है फोर्स, एफ फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू इनटू ई, किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ किसके इक्वल था, ये क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसके कारण लगा था, अभी निकाला था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये किसमें निकला है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब लोरेंट्ज फोर्स क्या था, टोटल चार्ज इन टोटल को फोर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल फोर्स एफ किसके इक्वल है, दोनों को भी ऐड करेंगे, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन लिया, क्यू, यहां पे क्या बनेगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या निकला हमारा, लोरेंट्ज फोर्स, क्या निकल गया ये, लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है। कैसे निकाला है लोरेंट्ज फोर्स, क्या है दोबारा देखो, अगर कहीं पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और फिर हमने क्या डाला वहां पे, कोई चार्ज, ये चार्ज कहां पे, पार्टिकल पर लगते हैं, कहां पे लगते हैं चार्ज, पार्टिकल पे, और कहां पे लगते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक है। ये चार्ज डलते कहां पे है, किसी पार्टिकल पे, और कहां लगते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। फिर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगा, क्यू इनटू ई, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगा, एफ क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर टोटल फोर्स तो वही होगा जब दोनों ऐड होंगे, तो दोनों को मैंने ऐड किया, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड किया तो फोर्स क्या आएगा, क्यू ई प्लस क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहां पे क्यू को कॉमन